हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर एंड 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। तो मीन्स आपका ऐसे रो बना लेट से पूरी आपका बॉटम है। अब इस बॉटम रो में कितने लॉक्स हैं, 20 लॉक्स हैं, ठीक है ना। मीन से लकड़ी का जो होता है गुटका, बड़ा बड़ा गुटा टाइप का, जिसमें भी बेसिकली पटरा निकलते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपसे ये कहा कि बेसिकली जो है 20 लॉक्स हैं। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट रो में 19 है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है जिसमें 19 रो आपके लॉक्स हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है फिर 17 लॉक्स, मीन्स 18 लॉक्स है। तो इस तरीके से जो है आपके धीरे धीरे आपको मीन्स बताया गया कि इस तरीके से लॉक्स जो है टोटल आपके पास कितने थे, 200 थे। तो टोटल जो संख्या दे रखी है वो 200 है। तो उन्होंने कहा कि 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो, 8 एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉक्स प्लेस एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, और कितने बेसिकली लॉक्स जो है टॉप रो में प्रेजेंट होंगे। ओके, बोलो सर इतना समझ में आके। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सीरीज आपके पास बन गया सर, अभी सीरीज जो है आपके पास क्या आ गया सर, ध्यान से समझिएगा। पहला क्या है सर, 20 है, फिर क्या है सर 19 है, फिर क्या है 18 है, डैश डैश। इस तरीके से आपको दे रखा है सर 20, 19, 18 एंड सो ऑन, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है बेसिकली 200 आपके टोटल जो बेसिकली लॉक्स है वो 200 है, मतलब टोटल समेशन दे रखा है कि 200 लॉक्स हैं। अब उसमें कितने नंबर ऑफ रोज होगी ये हमें क्या करना सर, फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिएगा सर, दैट मीन्स SN आपको दे रखा है सर, कितना दे रखा है SN आपको दे रखा है 200। अब इस सीरीज से जो है सर आप फर्स्ट टर्म निकालें तो AU कितना हो गया, 20 हो गया। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो A2 माइनस क्या हो गया A1, A2 माइनस A1 दैट मीन्स आपके पास क्या गया सर 19 माइनस क्या हो गया सर 20 दैट मीन्स -1। एक ही क्या हो रहा है सर, डिक्रीज होता जा रहा। तो फर्स्ट टर्म आ गया कॉमन डिफरेंस, हमें निकालना क्या सर N निकालना, क्वेश्चन मार्क हो गया। बोलो आया समझ में सर। अब आपने जो है SN का फॉर्मूला पढ़ाया मेरे भाई लोग, आपको याद हो तो N बाई 2 आपने पढ़ा था, 2 टाइम्स ऑफ A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या पढ़ा सर, D पढ़ा। बोलो क्लियर है। तो SN इज इक्वल टू N बाई 2, 2 टाइम्स A प्लस N माइनस 1 इंटू D आपने पढ़ा है। तो अब इस तरीके से जो है अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सारी वैल्यू आपको पता है, तो पुट कर दीजिए 200 हो गया, N बाई कितना हो गया सर 2 हो गया। अब इसके बाद जो है 2 टाइम्स ऑफ A, A का मतलब कितना सर 20 है, आप पुट कर दीजिए सर, प्लस आपका हो गया। इसके बाद जो है n माइनस 1 है इंटू क्या सर d है, तो n माइनस 1 क्या, d की वैल्यू क्या सर -1 है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। ओके, अब इसके बाद जो है 2 इधर मीन्स जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे, तो ये 400 हो जाएगा इंटू n हो गया, और इस तरीके 220, 40 हो गया, प्लस और माइनस माइनस होता है तो n हो गया, और इसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n और प्लस कितना हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। होगा ये नहीं मेरे भाई, चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि सर जी यहाँ पे आप देखिए माइनस एन माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एन और माइनस वाला क्या हो गया प्लस हो गया। तो इस तरीके से 400 आ गया, एन इंटू कितना हो गया 41 हो गया, और माइनस क्या गया सर एन आ गया। तो इस तरीके से 400 हो गया, तो ये 40 एन आ गया, और इस तरीके से एन का स्क्वायर हो गया। बोलो सर क्लियर हो गया। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्म होगा, तो इस पूरे टर्म को इधर टेक कर लीजिए, तो एन स्क्वायर माइनस 41 एन हो गया, और इसके बाद आपका प्लस 400 हो गया, बराबर क्या गया सर 0 आ गया। बोलो सर इतना समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें सर। बोलिए अब इसके बाद जो है सर जी आगे ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बेसिकली सिंपल क्वेश्चन से पर ध्यान से समझते जाइए। अब इसके बाद जो है सर हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा सर, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जिसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लीजिए, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी बराबर 0, एन वैल्यू इसलिए एन के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखें, तो इस तरीके से आपके पास ए की जो वैल्यू आ गया, एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो 1 है, और फिर इसके बाद जो एन का कोफिशियंट है वो -4, बी का कोफिशियंट क्या हो गया -41 हो गया। कॉन्स्टेंट टर्म जो आपके पास है सर वो 400 है। बोलो सर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब इस तरीके से मेरे भैया लोग आपने पढ़ाया क्वाड्रेटिक फार्मूला n1, 2 दैट मीन्स -b प्लस माइनस जो है बी स्क्वायर माइनस क्या पढ़ा सर 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a पढ़ा है, तो n1, 2 हो गया माइनस, ध्यान दीजिएगा सर माइनस आपका जो है मीन्स माइनस माइनस 41 हो गया, प्लस माइनस हो गया, माइनस 41 का आपने स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 इंटू ए मतलब 1 हो गया, c का मतलब देखिए सर 400 दिया गया है लिख ले, एंड अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितना सर 1 है। अब इस तरीके से जो है आपके पास n1, 2 की जो वैल्यू आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया सर जी 41 माइनस माइनस, ठीक है।
और अब 41 का स्क्वायर वैल्यू आपको फटाक से सिखा देते हैं। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, दोनों को प्रोडक्ट किया, 4 1 जा 4, 4 का डबल कर दो तो कितना आएगा 8 आ गया। इसके बाद 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, आप पहले वाले स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर हो गया सर, देखिए 1681 आपके पास आ गया। एक बार दोबारा समझ लीजिए मेरे भैया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ गया, अब दोनों को प्रोडक्ट करिए, 4 1 जा 4 जस्ट डबल कर दीजिए 8 आ गया, कैरी कोई नहीं है। फिर 4 का स्क्वायर कर दीजिए जो है एज इट इज लिख दीजिए क्योंकि कैरी था नहीं। ओके तो 1681 हो गया, माइनस आपका 4 4 जा कितना हो गया 1600 आ गया। बोलो सर क्लियर। अब अपॉन में कितना आ गया सर 2 आ गया, कोई दिक्कत इसमें सर जी, इसको रिमूव कर दे रहा हूं सर। अब इस तरीके से जो है आपके पास जो वैल्यू आ गई सर जी, N1.2 की जो वैल्यू आपके पास आ गया 41 हो गया, प्लस माइनस हो गया सर जी, और ये आपका 81 आ गया, अपॉन कितना आ गया सर 2 आ गया। तो N1.2 जो आपके पास आ गया 41 प्लस माइनस क्या हो गया 9 स्क्वायर, ये 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर 9 होता है, अपॉन क्या गया 2 आ गया। तो पॉजिटिव साइन आप टेक करेंगे मेरे भैया लोग, जब आप पॉजिटिव साइन टेक करेंगे तो N1.2 की जो वैल्यू आ रही है सर, सॉरी N1 निकलेगा आपके पास, तो 41 प्लस क्या हो गया सर 9 अपॉन क्या आ गया सर 2 आ गया, तो दैट मींस 50 अपॉन 2 आ गया इज इक्वल टू 25 हो गया N1। बोलो सर समझ में आ गई, N1 कितना हो गया 25। इसके बाद जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे सर, जब आप नेगेटिव साइन टेक करेंगे तो उस केस में N2 निकलेगा 41 माइनस 9 अपॉन जो है सर जी 2, तो 11 में से 9 जाएगा कितना आएगा सर 2 आएगा, और ये बचा 32 अपॉन 2 हो गया, दैट मींस कितना आ गया 16। तो N2 बराबर कितना आ गया 16 आ गया सर। बोल क्लियर है मेरे भैया, तो कोई दिक्कत। तो इस तरीके से जो है आपके पास दो वैल्यू जो है N1 25 आया और N2 क्या आ गया 16। अब बात है सर ये कौन सी वैल्यू हमारी पॉसिबल होगी, तो अभी चलिए हम आगे देखते हैं कुछ इसमें और डेटा फाइंड आउट करना। इतना समझ में आ गया सर जी N की, क्लियर। अब 25 भी हो सकता है और इस तरीके से 16 भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा आगे सॉल्व कर। बोलो सर समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए सर अब आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सर। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपसे ये कहा था कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, तो वो आपको बेसिकली टॉप रो में कितने होंगे ये आपको पता करना है। तो टॉप रो में पता करने के लिए सर जी देखिए ध्यान से समझिएगा चीज को, कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ रोज जो है लास्ट में पता करना है। तो आपने लास्ट टाइम का फार्मूला क्या पढ़ा सर, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी पढ़ा है मेरे वैल्यू। अब आप यहाँ पे पहले पुट कर दीजिए एन बराबर, पहली वैल्यू पुट करते हैं एन बराबर 25। तो इस तरीके से लास्ट टर्म हमें निकालना है कि लास्ट मतलब जो है कि हाउ मेनी बेसिकली लॉग्स इन द टॉप रो, तो टॉप रो मतलब क्या हो गया लास्ट टर्म होगा, तो इसलिए लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। तो ए प्लस ए की वैल्यू कितनी सर 20 थी, एन आपका कितना सर 25 माइनस 1 इंटू डी कितना सर माइनस 1, ध्यान से समझिएगा सर। तो 20 हो गया प्लस और माइनस क्या हो गया माइनस, 25 में से 1 गया कितना आएगा सर जी 24 आएगा मेरे भाई, तो ये कितना आ गया माइनस 4 आ गया सर जी। अब बताओ कभी भी नंबर ऑफ लॉग्स जो संख्या होगी क्या कभी माइनस 4 हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल आप लिखेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ लॉग्स कभी मतलब पॉजिटिव होगा ना सर जी, मतलब लकड़ियों की जो संख्या होगी, लॉग का मतलब है लकड़ी का बोटा, ठीक है ना, जो पेड़ की कटिंग करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, तो उसी को लॉग्स कहा गया। ओके तो इस तरीके से आपका पॉसिबल नहीं होगा, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं दैट मीन्स एन बराबर 25 इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे एन बराबर 25 इज नॉट क्या लिखेंगे सर पॉसिबल लिखेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत इसमें। अब इस तरीके से पुट करेंगे n बराबर कितना 16 पुट करेंगे, तो अब आप फाइंड आउट करें l बराबर क्या हो गया सर a प्लस कितना होता सर n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो a आपके पास कितना सर आपका 20 था और प्लस हो गया n माइनस 1, ध्यान दीजिएगा सर n, n आपके पास कितना सर 16 है और माइनस 1 हो गया इंटू डी सर जी आपका कितना है माइनस 1 है। तो 20 हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया 16 में से 1 गया तो 15 आ गया, दैट मीन्स 5 आ गया सर पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया सर जी। तो लास्ट में आप लिखेंगे देन एन बराबर तो नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ रोज कितने होंगे सर 16, एंड इसके बाद जो नंबर ऑफ रोज कितने होंगे सर जी 16 हो गए टोटल 16, इस पर पॉसिबल है ये पॉजिटिव आ गया ना सर जी। एंड इसके बाद लिखेंगे एंड नंबर ऑफ लॉग्स जो है एंड नंबर ऑफ लॉग्स प्रेजेंट इन टॉप रो, प्रेजेंट इन टॉप रो आप जब लिखेंगे सर जी तो उसमें कितना मेरे भैया लोग 5 है, कितना मेरे भाई लोग 5 है, ये आपका अब कंप्लीट आंसर हुआ सर। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलो सर समझ में आया कि नहीं। तो एन यहाँ पे दो वैल्यू आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला अपने कॉन्सेप्ट यूज किया तो एन बराबर 25 होता है, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कॉन्सेप्ट यूज किया तो एल बराबर समथिंग किया
20 प्लस आपका तो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो कभी भी नंबर ऑफ लॉग्स जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है आपकी के लिए, एन बराबर 25 नॉट पॉसिबल हो गया। तो नंबर ऑफ बेसिकली जो रोज होंगे वो 25 कॉल नहीं हो सकती, क्लियर। अब इस तरीके से एन बराबर 16 पुट किया था इसी सेम फार्मूले में, तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव 5 आ गया, दैट मीन्स ये पॉसिबल है। तो इस तरीके से जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो 16 होंगे और नंबर ऑफ लॉग्स जो प्रेजेंट होगा टॉप रो में वो कितना होगा सर, 5 होगा। ओके, तो ये तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बोलो सर समझ।